गाइ गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कॅन सो गाइज हुई हूँ एक्चुअली अभी तक होने का टाइम मैं नहा के ये सारे काम ही चल रहे थे अभी तक मतलब हम लोगों ने सारी क्लीनिंग की यहाँ पे जो मेस था वो उठाया उसके बाद आ, जो बेडरूम में थोड़ा सा मेस था वो उठाया अभी तक बेडरूम क्लियर नहीं हुआ है उसके बाद स्टोर रूम में जो मेस था वो उठाया सारी आज क्लीनिंग 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 ही हुई है। और ये अभी दोपहर में आ गए थे तो ये मुझे हेल्प कर रहे हैं एक्चुअली मेरे से तो नहीं हो रहा है ज़्यादा तो आ, माही और ये हेल्प कर रहा है उसके साथ साथ हम लोग सारे लोग मिल सारे काम कर रहे हैं तो यहाँ पर सब आप आप बैठ रहे हो सिर्फ आ, देख रहे हो सिर्फ और मैं गाड़ी पे बैठ रहा हूं। हाँ तो मैं आपको एक एक दिखाती हूँ क्या क्या हुआ है आज काम थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगी अब ये काम कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद दिखाऊंगी आपको एक्चुअली जो स्टोर रूम क्लीन की है वो दिखाती हूँ आपको सबसे पहले ज्यादा क्लीन नहीं हुई है मतलब क्लीन मीन यहाँ पर सेट की है हम लोगों ने मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके क्लीन करूंगी मैंने बोला था ना कि आपको एकदम से क्लीन नहीं होता है सब कुछ तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ यहाँ का देखो इस कंटेनर में अभी भरना है या पता नहीं क्या करना है अभी इसका देखूंगी इसमें जो भी भरना है अभी वो भरूंगी और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर ये कोठी रखी है उसके बाद यहाँ पर ये सिलेंडर रखा है एक्स्ट्रा वाला और उसके बाद इसके नीचे भी एक कोठी है और यहाँ पर देखो ये वाला टेबल यहाँ पर रख दिया है और और ये वाला टेबल तो यहीं पे था तो ये है और यहाँ का सारा मैं सभी उठाना है उसके बाद अभी यहाँ पर भी सेट करना है वो पूरा मतलब ये भी अभी तक सेट नहीं हुआ है देखो नीचे का भी हिस्सा और ऊपर का भी हिस्सा वैसे के वैसे ही है अभी तक ये भी सेट नहीं हुआ है तो ये सेट करूँगी और उसके बाद यहाँ पर भी ऐसे कैसे ही पड़ा है ये तो ये जो है सारा पास्ता और माइक्रोनी और ये सब कुछ अभी देखो आ, ये जो है राजमा और ये सारा निकाल के रखा था मैंने उस दिन से ही और ये रखना ही नहीं हुआ ये देखो अभी ये निकाल के रखा है तो इसमें ये भी पास्ता और माइक्रोनी रख दूंगी मतलब एक कंटेनर में तो ये ऐसे करके मैं सारी चीज़ें रखूँगी और पता है क्या एक जगह पे अगर क्लीन करने जाते हैं तो दूसरी जगह पे मेस हो जाता है तो ऐसे कर कर के ये मैस हो रहा है और वो भी हो जाता क्या बोलते हैं तो स्टोर रूम का क्लीन भी हो जाता और अच्छे से हो भी जाता बट ना उसके शेल्फ लाइनर मैंने मंगा के रखे हैं और वो आए ही नहीं है यार इतने दिनों से मैंने मंगाया है और थोड़ी सी डिलीवरी लेट हो रही है तो इसी वजह से थोड़ा सा वो हो रहा है दो ही इसमें मतलब दो ही लाइन में शेल्फ़ लाइनर लग गए थे दूसरे लाइन में तो नहीं लगे थे ऊपर वाले और नीचे वाले में सबसे नीचे वाले में तो इसी वजह से मैं अभी का ऐसे ही रख दे रही हूँ यहाँ पे क्योंकि मेस बहुत ज़्यादा हो रहा है तो यही से ऐसे ही रख दे रही हूँ उसके बाद जो शेल्फ लाइनर आएंगे ना जो एंटी स्कीड वाले मैट्स मैंने ऑर्डर किए हैं वो रखूँगी और यहाँ पर मैंने घी बना के रखा था दो चार दिन पहले से तो वो घी है ये और येलो कलर किस लिए आया है वो भी बता देती हूँ उसको येलो कलर मैंने कलर वगैरह ऐड नहीं किया कुछ भी नहीं मैंने पत्ता ऐड किया था खाने वाला पान जो होता है ना वो ऐड किया था उसमें तो उसकी वजह से ना दानेदार घी बन जाता है और उसमें कलर भी आ जाता है तो यहाँ पर देखो कितना अच्छा कलर आया है इसमें तो अभी ये वाला डाल दूँगी अभी इस वाले कंटेनर में और उसमें ना पेंट के थोड़े से दाग है तो वो भी क्लीन करने हैं मुझे और यहाँ पर अच्छे से वो जा नहीं रहा था तो इसी वजह से थोड़ा सा मेल्ट कर लिया तो मेल्ट करने के बाद तो उसमें चला गया और अभी ऐसी वाली एक भरनी मेरे पास और है तो मतलब वो भर गई है पूरी की पूरी और ये अभी दिवाली के टाइम पे तो घी यूज़ होता ही है बहुत सारा तो इसी वजह से उस टाइम यूज़ होगा और इस बार इतना घी क्यों बचा है वो भी बता देती हूँ आपको क्योंकि ना मतलब जो घी है वो उसमें यूज़ ही नहीं हुआ लड्डू में यूज़ ही नहीं हुआ जो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाती हूँ मैं इस बार लड्डू बनाना ही नहीं हुआ मेरा हम लोग घूमने गए थे उसके चक्कर में फिर उधर से आए तबीयत ख़राब हो गई उधर से फिर उसके बाद भी फिर मैंने सोचा था बनाने का उसके बाद भी और तबीयत खराब हो गई तो ऐसे कर कर के लड्डू बने ही नहीं और वो सीज़न भी चला गया तो इसी लिए फिर लड्डू में बहुत सारा घी यूज़ होता है तो उसमें चला जाता है मेरा घी बट इस बार यूज़ नहीं हुआ तो इसी वजह से इतना सारा घी बचा है एक ये भरनी है और सेम ऐसी ही भरनी एक भर गई है तो वो है अब ये भी भर जाएगी थोड़ा थोड़ा करके डालती जाऊंगी इसमें ना तो मैं ये भी भर जाएगी और इस पर पे पेंट के डाक गिरे हैं तो वो मैं अभी क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद ये मैं रख दूँगी वहाँ पर अपनी जगह पर जहाँ से मैंने निकाली थी बट अभी सेट करना है सेट अभी तक नहीं हुआ है देखो इसमें शेल्फ़ लाइनर नहीं लगे हैं तो इसी वजह से ये लाइनर वगैरह डाल देने के बाद उसमें वो मैट्स वगैरह डाल देने के बाद फिर अच्छे से सेट करूँगी और आपके साथ टूर शेयर करूँगी तो यहाँ पर देखो ये हम लोग खाना खाने बैठ गए थे और आज भी बनी है आ, नहीं आज मिक्स वेज बनी थी बट एग्स बॉईल कर लिए थे और एग्स फिर हम लोग ऐसे ही बॉईल किए हुए एग्स खा लेते हैं तो ज़्यादातर हम लोग एग्ज ही खा रहे हैं आजकल ज़्यादातर एग्स नॉन वेज चिकन वगैरह मटन तो मैं खाती नहीं हूँ तो इसी वजह से ये चिकन लाते हैं कभी फ़िश लाते हैं तो फिश भी थोड़ी सी खा लेती हूँ बट मटन तो बिल्कुल नहीं खाती हूँ बाकी कुछ भी नहीं खाती हूँ सिर्फ चिकन खाती हूँ और फ़िश खाती हूँ वो भी इन्होंने अभी फ़िश की आदत लगाई है मुझे नहीं तो मैं फ़िश भी पहले खाती नहीं थी अब ये फ्राई वाई कर लेते हैं तो थोड़ा सा एक दो पीस खा लेती हूँ फ़िश के वो कांटे वाटे निकालने मुझे जान पे आता है तो इसी वजह से और अभी ये मिक्स वेज और मेरी जो ज्वारी की रोटी है और बाकी सबके लिए वो सादी रोटी गेहूँ की वो है तो हम लोग अभी खाना खा लेते हैं आप भी आ जाइए खाना खाने यहाँ पर ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है जब मैं चाय बना रही थी इनके लिए क्योंकि इनको जाना था सब्ज़ियाँ लाने और ये रहे थे पहले चाय बना के दे दो फिर बाद में आप ब्रेकफास्ट बनाते रहना उसके तो बाद फिर ब्रेकफास्ट बना लूँगी और अब ब्रेकफास्ट में आज पोहा बनने वाला है काफ़ी दिनों के बाद आज पोहा बनने वाला है पोहा की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ क्योंकि काफ़ी लोग न्यू ज्वाइन हुए हैं और उनको भी नहीं पता है कि मैं कैसे पोहा बनाती हूँ और हाँ बहुत से लोग बोल रहे थे कि आप दी ब्रेकफास्ट रेसिपी शेयर किया करो हमारे साथ तो मैंने सोचा चलो आज आपके साथ पोहा की रेसिपी ही शेयर कर देती हूँ यहाँ पर बस चाय छान लूँगी और चाय पी लेंगे और उसके बाद मैं आपके साथ पोहा की रेसिपी शेयर करती हूँ चाय कैसे बनी है एक नंबर ही बनाती हूँ मैं नहीं।, नहीं तो आपके जैसे नहीं बनाती वो सोंडे वाले क्यों पकौड़े खिलाती है यार इनका क्या ही करो अभी आप पे भरोसा नहीं रहा मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा आप। नहीं 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 बिल्कुल भरोसा नहीं रहा आप कुछ भी खिला दोगे इसके बाद मैं आपके हाथों से बना हुआ <laughs> खाऊंगी <जी> नहीं <laughs> नहीं तो क्या नहीं तो क्या आप लोगों से एग्री करती हूँ क्योंकि आप लोगों ने जब बोला ना तब मैंने एडिट करने के टाइम देखा नहीं कि इन्होंने वो किया करके बट जब आप लोगों ने बोला तो मैं पीछे कर करके कर करके स्टॉप कर करके कर -कर देख रही हूँ कि आप सच बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो मैंने जब देखा ना मैंने जैसे ही ये ड्यूटीज आए इनको डांट लगे मैंने बोला यार आपने क्या किया ये <laughs> अरे मैंने भी देखा <laughs> मैंने बोला आपने वो सोंडे वाले पकोड़े खिला दिए मुझे मैंने भी देखा उसमें वो वैसे वैसे ये देखो इन्होंने भी देखा फिर मैंने बोलने के बाद इन्होंने भी देखा कि ये सच बोल रही है या नहीं बोल रही है ड्यूटी पे ही और नहीं मैंने इनको ड्यूटी पे कॉल किया था पहले हाँ पहले मैंने ड्यूटी पे कॉल किया था इनको कि क्या यार आपने मुझे कीड़े वाले पकौड़े खिला दिए कल तो ये बोले कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता बट वो इनकी भी गलती नहीं है वो मैं आपको बताती हूँ किस चीज़ से हुआ है तो बाहर ना हम लोगों ने इन्होंने ना राइस लाए थे पच्चीस के और वो ऐसे ही मतलब ज़्यादा वो स्टोर हम लोगों को मतलब मुझे तो आदत नहीं है ज़्यादा स्टोर कर, करके रखने की तो इसी वजह से कहाँ है वो ये यहाँ पे है। तो इसी वजह से ना वो पता नहीं उसको बोरिक पाउडर लगा के रखनी पड़ती है बट मैंने लगा ही नहीं थी और ना तो वो गुलिया वगैरह डाली थी उसमें तो वो ऐसे ही रहने दिए थे और मेरा ध्यान निकल गया उस पर से ऐसे ही डब्बे में निकाल के मतलब बड़ी बड़ी कोठियों में निकाल के रख दिए थे तो अभी इतने ही बचा है तो वो मैं दिखाती हूँ आपको और उसमें भी सोंडे है मतलब सोंडे मीन्स वही जो कीड़े बोलते हैं वो इस बोरी में हम लोगों ने फाइनली निकाल लिए उस कंटेनर में से और यहाँ पर लाके रख दिया अभी इसे छानना पड़ेगा अच्छे से और इसे पाउडर लगा के रखना पड़ेगा तो ये वाली चीज़ से हमारे सारे चीज़ों में जैसे कि अभी देखो इसमें सेमिया पे भी सेमिया देखो सेमिया में भी वही कीड़े हो, हो गए थे इसमें भी वही कीड़े ये तो खैर दाल अलग है वो ही लाई थी मम्मी ने दी थी वो और ये इस सेमिया में भी चले गए थे इस आ, राइस के चक्कर में सारी चीज़ों में वो कीड़े चले गए हैं और वहीं पर वो बेसन का कंटेनर था तो बेसन के कंटेनर में भी चले गए होंगे क्योंकि मैं छान के रखती हूँ बेसन हो या मैदा हो ये सारी चीजें अभी मैं कंटेनर में छान के ही रखती हूँ क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि डिमार्ट से लाया हो मुझे लगता था कि पैकेट वाला डीमार्ट से लाया वो अच्छा है उसे छानने की जरूरत नहीं है बट जब मैंने मैदा छाना था तो उसमें वो बोरियों के वो आए थे तो इसी वजह से आ, मैंने तब से छानना स्टार्ट कर दिया तो मैं छान के ही कंटेनर में रखती हूँ बट मुझे लगा था छाना हुआ है इनको भी लगाया ये छान के रखती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट उसमें कीड़े इसकी वजह से घुस गए थे मैंने सारा सामान इधर रख दिया था ला और वो एक साथ ही पड़ा था और वो भी खुला पड़ा था तो इसी वजह से वो हो गया है कांड और और इन पर मुझे बिल्कुल भी, भी अभी भरोसा नहीं रहा है कि ये कुछ भी गिला देंगे मतलब ध्यान भी नहीं देते हैं जल्दी जल्दी के चक्कर में कुछ भी कर लेते हैं है ना अद्विक? अद्विक भी अभी भी सो के उठा है अद्विक कीड़े वाले पकौड़े खिला दिए पापा ने हमें हाँ? आपको कुछ, हा? कुछ, कुछ खाना नहीं है मैं आपको खाने के लिए नहीं बोल रही हूँ उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है माहे आपको फ़र्क पड़ा क्या कुछ ये भी अभी सो के उठी है और लग गई है अपने क्लास में देखो क्लास चल रहा है वही का तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा क्या वही नहीं इसको भी फर्क नहीं पड़ा लेकिन मुझे पड़ा फर्क मैंने जैसे ही देखा वो इतना अजीब लग रहा था मुझे पड़ा, खा... पड़ा। हाँ खाते वक्त नहीं पड़ा क्योंकि पता नहीं था ना खाते वक्त जब मुझे पता चला की हा इसमें कीड़ा था तो वो कीड़ा किसके पेट में गया वो नहीं पता लेकिन एक कीड़ा वो ऐसे से कर रहा था वो कर रहा था मतलब ऊपर आ रहा था वो जो सोंडे बोलते हैं जिसे मतलब जो काला काला सा होता है छोटा सा तो वो था और वो ऊपर आने की कोशिश कर रहा था मुझे ये अजीब सा लगा मैंने इनको ड्यूटी पे कॉल किया मैंने बोला कि यार आपने कीड़े वाले पकौड़े खिला दिए ये बोला अरे गलती से हो जाता है कभी कभी मुझे थोड़ी ना पता था उसमें है करके और मेरी भी गलती नहीं है वो आपने सामने रख दिए सारे निकाल के तो एक के दूसरे में जाएंगे ही ना तो ऐसे करके वो हो गया था चलो मैं अपनी चाय ले लेती हूँ आपसे बातें करते करते इन्होंने चाय ले भी ली और ये सब्जी लाने बाहर चले भी गए। मैं अपनी चाय गर्म करती हूँ और फिर ले लेती हूँ ये देखो सब्जियाँ लेके आए हैं ये अभी इसे वॉश करके अच्छे से रखना है मुझे तो यहाँ पर आई हूँ इनके लिए ब्रेकफास्ट बनाने और ब्रेकफास्ट में तो आपको बता ही दिया है क्या बनने वाला है तो प्याज मैं लंबा लंबा काट रही हूँ और उसके साथ साथ मैंने चार ग्रीन चिली भी काट ली है और यहाँ पर ऑयल डाल दिया है पैन में और उसके बाद डाल रही हूँ मूंगफली मूंगफली को फ्राई कर लूँगी ताकि वो अच्छे से क्रिस्पी बन जाए और उसके बाद मैंने राई और जीरा डाला है और उसके बाद डाल दिया है जो मैंने प्याज और हरी मिर्च काट के रखी थी वो अच्छे से होने दूँगी इन सबको और उसके बाद मैं उसमें हल्दी ऐड करूँगी तो और उधर मैंने पोहा भिगो के रखा था तो ये मैंने पोहा भिगो के रखा था तो ये थोड़ी देर पहले पाँच मिनट पहले पोहा भिगो के रखा था और ये हल्दी डालने के बाद पोहा डाल दिया है उसके बाद ऊपर से नमक डाल दिया है और अभी अच्छे से मिक्स कर लूँगी और स्टीम ज़्यादा आने देना है क्योंकि पोहा में जितनी अच्छे से स्टीम आएगी ना उतना अच्छा पोहा टेस्टी बनेगा और ऊपर ढक्कन रख देना है स्टीम आने के लिए और यहाँ पर मैं धनिया पत्ता काट रही हूँ उसके बाद स्टीम आने के बाद धनिया पत्ता डाल देना है और बस बन गया आपका पोहा और थोड़ा सा ना थोड़ी सी चीनी ऐड कर देना है ऊपर से चीनी ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है पोहा इतना ज़्यादा टेस्टी कि आप खाते रह जाओगे इस टाइप से पोहा बना के देखना ऊपर से नींबू निचोड़ना है तो नींबू निचोड़ सकते हो बेसन पकोड़े का तो नाम, नाम ही लो मत नहीं बेसन पकोड़े का अभी सामने ही निकाल के रखा है ये इसको धूप लगाएंगे बाय देखो अभी ये पार्सल आया अमेजोन से मतलब ये मैंने शेल्फ लाइनर मंगाया था जो एंटी स्किड वाला मैट्स नहीं रहता है वो इससे पहले जो मंगाया था इतना ही मंगाया था उससे दो ही लाइन हुई थी इसी वजह से दो लाइन बची थी तो उसके लिए बचा ही नहीं था इसी वजह से मेरा वो क्लीनिंग बाकी रह गया था तो अभी ये आ गया है इसका लगा दूंगी ये अच्छे से उसमें शेल्फ में और फिर सारा सामान रखूँगी ये देखिए इस कलर का ये डार्क ब्राउन कलर का अभी ये डालना है मुझे स्टोरूम के शेल्फ़ में गाइज ये एरिया देखो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है अब और खाली खाली लग रहा है मेन तो ये जो एरिया है मतलब ये जो पोर्शन है इतना आ, ये देखने के लिए ये खाली देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी सब लोगों को अच्छा लग रहा है आज तो कल की मेहनत रंग लाई है बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है अब तो मतलब जब अः रुको मैं वो वाले लाइट्स ऑन करके दिखाती हूँ आपको अब आप देखो लाइट्स ऑन कर दिए तो जबरदस्त लग रहा है अब मतलब ये जो आ, क्या बोलते हैं ये जो डोर्स है ना ये दिख भी नहीं रहे थे यहाँ पर इतना ज्यादा सामान था तो वो जो टेबल था उस पर सामान रखे जा रहे थे रखे जा रहे थे तो अभी वो टेबल उधर चला गया बेडरूम में तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है मतलब तो उसकी वजह से उसके ऊपर का सामान भी उठाना पड़ा और खाली खाली हो गया है अब इतनी ज़्यादा जगह लग रही है अभी लिविंग रूम में इसकी वजह से ये खाली होने की वजह से नहीं तो यहाँ पर भरा भरा सा दिखता था ना तो छोटा सा लिविंग रूम दिखता था हमारा देखो अभी बढ़िया लग रहा है बहुत ही तो चलिए गाइज इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ नहा लेती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो क्या करते हो यार डेली मैं लाइक करने के लिए बोलती हूँ सब्सक्राइब करने के लिए बोलती हूँ बट आप सब्सक्राइब ही नहीं करते हो लाइक ही नहीं करते हो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और हाँ इसके अलावा मेरे दो और चैनल है आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फेस देखो कितना ज्यादा ऑयली हो गया है ऐसे ही हो जाता है मेरा थोड़ा सा भी काम करती हूँ ना तो ऑयल क्रीज करने लगता है पहले उठा था अदभी और सो गया था अभी और उठ गया है बाय कर दो लव लव यू यू ऑल ऑल आपने आपने ब्लॉग ब्लॉग पे बना क्या आप सोए थे ना तब तक मैंने बना लिया तो चले फिर बाय गाइस ध्यान रखना अपना